मैं आ चुका हूँ लोअर हिमालयन रेंज पे, यानी शिखर फॉल्स पे। एनवायरनमेंट की बात की जाए तो बड़ी ही शांति है। आपको मेरे पीछे वाटरफॉल देखने को मिलेगा यहाँ पर, और साथ ही साथ इसकी मीठी मीठी आवाज़। तो शिखर फॉल में दिखाते हैं हम कहाँ से ट्रैकिंग शुरू होगी, कैसे होगा, बाकी सारी डिटेल आपको इसी वीडियो में मिलेगी। स्टे ट्यून्ड विद मी। तो अब सेकेंड वीडियो में मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ शिखर फॉल, और शिखर फॉल की मैंने ट्रैकिंग कर दी है शुरू। देखते हैं आगे कितना चढ़ना पड़ेगा, बट कह रहे हैं कि लगभग आधे किलोमीटर पे एक फॉल देखने को मिलेगी, और लगभग एक किलोमीटर पे सेकेंड जो मेन फॉल है वो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपको जगह जगह साइंस बने दिखेंगे, एरोस बने दिखेंगे, जैसे ये हो गया, ये हो गया, सामने फॉल लिखा है, तो आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी फॉल तक पहुँचने में। तो चलिए चलते हैं। तो लगभग आधा किलोमीटर की ट्रैक करके मैं पहुंच चुका हूं मिनी शिखर फॉल पे, और यहां का व्यू आप देख सकते हैं। तो कुछ ऐसा व्यू है यहां का। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं वहां और क्या मज़ा आता है हमें। तो अब मिनी शिखर फॉल पे लगभग आधा घंटा बैठने के बाद, यहाँ पर नज़ारे लेने के बाद, मैं चल दिया हूँ ऊपर की तरफ, और देखते हैं ऊपर हमें कितना और ऊपर जाना पड़ेगा मेन जो मेजर शिखर फॉल है उसको देखने के लिए। तो मिनी शिखर फॉल तक ट्रैक थोड़ा आसान था और इतनी समस्या नहीं हुई। जो इसके बाद जो मेजर फॉल है, जो मेन फॉल है, वहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। और अगर आप फैमिली में हैं, छोटे बच्चे हैं आपके साथ, तो आप इसको अवॉइड कीजिए।
तो मैं ऑलमोस्ट शिखर फॉल पे पहुंच चुका था, बट यहाँ पर पानी का बहाव बहुत तेज़ है, बारिश हो रही है आज यहाँ पर, इस वजह से यहाँ पर गेट बंद कर दिया है। तो आज मैं यहाँ पर शिखर फॉल आपको नहीं दिखा पाऊँगा, बट नेक्स्ट किसी व्लॉग में जल्द जब भी ये खुलेगा मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको ये शिखर फॉल तक पहुँचा के रहूँ। मैं आ चुका हूँ शनशाही रिजॉर्ट में। ये रिजॉर्ट बिल्कुल शिखर फॉल के नीचे है। ये एक अनएक्सप्लोर्ड जगह है जहाँ पर आप अपने फैमिली के साथ आके कुछ दिन स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे रूम्स अवेलेबल है, रेस्टोरेंट है, अगर आपको कोई शादी करनी है, कोई फंक्शन करना है, तब भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। और इसके अलावा बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया जगह है, सारी आपको यहाँ पे ग्रीनरी देखने को मिलेगी, बच्चे आराम से खेल सकते हैं, अपना अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो जी ऐसे कुछ नज़ारे मिलेंगे आपको यहाँ इस रिजॉर्ट में। अगर आप देहरादून आ रहे हैं और शिखर फॉल विजिट कर रहे हैं तो आप इस रिजॉर्ट में भी आइए। अगर आप एक दिन के लिए यहाँ रुक सकते हैं तो यहाँ पे स्टे ज़रूर करिए, यहाँ आपको नेचर के बीच में रहने का मज़ा अलग ही आएगा। रेस्टोरेंट की बात की जाए तो फूड बहुत ही टेस्टी है यहाँ पर, अभी जस्ट मैंने डिनर किया है यहाँ पर। और साथ ही साथ बात की जाए तो मसूरी भी बिल्कुल ही नज़दीक है यहाँ से, तो अगर आप रात को रुकते हैं तो आप मसूरी जाने का लुत्फ भी उठा सकते हैं। तो जी मैं आ चुका हूँ इस रिजॉर्ट के रूफटॉप पे और यहाँ पर आपको चारों ओर ग्रीनरी देखने को मिलेगी। मैं आपको एक बार इसका नज़ारा दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको ये स्विमिंग पूल देखने को मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ पर आपको बैठने का भी ऑप्शन मिलेगा, आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर बैठ सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब सुबह होगी तब यहाँ पे मॉर्निंग में आपको मसूरी का पूरा व्यू आएगा। तो इस व्लॉग को हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।